हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्योति पंडित। तो मुझे पता है कि आप सभी को वेट था कि कब दीदी रिफ्रेश डेट अनाउंस करेगी, तो अभी मैं रिफ्रेश डेट ही अनाउंस करने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज्योति पंडित वाली आईडी जिसकी सीजन एंड हो चुकी है, और यहाँ पे ठीक इसके बायो में आप लोगों को दिख रहा होगा नेक्स्ट आईडी जो कि निशा देवी वाली है, उसका लिंक। आप जैसे ही इस लिंक पे प्रेस करोगे, आप डायरेक्टली निशा देवी वाली, मतलब अपकमिंग आईडी पे पहुंच जाओगे, और उसे आपको कर लेना है सी फर्स्ट, ताकि रिफ्रेश वाले दिन आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। तो हमारा अगला जो निशा देवी वाली आईडी का रिफ्रेश डेट है वो है 8th of June, जो कि सैटरडे को है, नेक्स्ट सैटरडे को। तो रेडी हो जाइए फटाफट से आप लोग, जैसा भी जो भी प्रिपरेशन करना आप लोगों को, आप अपने प्रिपरेशन के साथ रेडी रहिए, और मैं अपने प्रिपरेशन के साथ अपकमिंग आईडी के लिए रेडी हूँ। तो जैसे ही अब आप लोगों को आपके रिफ्रेश डेट का पता चल गया है, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप जाके अपना फटाफट से बायो चेंज कर लीजिए, और अपने बायो पे 8 June 7 PM लगा के रख लीजिए भाई, ताकि सबको पता चल जाए कि रिफ्रेश डेट 8 जून के लिए अनाउंस कर दी गई है। बाकी अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या इस सीजन भी कुछ एडिंग ट्रिक्स में चेंजेस आने वाली है, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। उतनी इजी एडिंग करूंगी जितने की बाकी सीजन से करते आ रही हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन पे नॉर्मल लाइक करना है आप लोगों को, अपना बायो वगैरह कोड वगैरह लगा के, और आप इजी ऐड कर लिए जाओगे। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी रिफ्रेश वाले दिन मुझे टाइमलाइन पे लाइक करता हुआ नजर आएगा, और आप देखोगे कि आपको रिक्वेस्ट मिलता जा रहा है। और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में जिन्हें टाइम नहीं मिलता सपोर्ट करने का, जो कि हर सीजन ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जो एडिंग करवाते आ रहे हैं। तो अगर आपको भी टाइम नहीं मिलता है सपोर्ट करने का, तो स्क्रीन पे आपको जो दो नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी दो नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करके अपना स्पेस बुक करवा के रख लेना है। इधर उधर कहीं भी कॉन्टैक्ट ना करें। अगर इसके वजह से आपके साथ फ्रॉड होता है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे फैमिली मेंबर्स की या हमारे ऑफिशियल्स की बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तब आप सही जगह पे कॉन्टैक्ट करते हो। तो बेटर ये है ना यार कि आप पहले सही जगह पे कॉन्टैक्ट करो, ताकि फ्रॉड हो ही ना। तो सही नंबर सिर्फ यही है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है एक्सेप्ट ये दो नंबर के। अब एडिटिंग करवाने वालों के मन में भी कुछ सवाल होंगे कि हमारा क्या फायदा है। तो भाई आपका ये फायदा है कि आप जब एडिटिंग करवा रहे हो, तो उससे जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, भले आप टाइमलाइन पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट आप अपना पिक्चर मेंशन करके लाइक तो ले रहे हो ना। तो जो सपोर्टर्स हैं, यहाँ से जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो उन सपोर्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स पे लाइक करे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और रिमाइंड कर देते हैं, 8 June sharp 7 PM को लेके, तो आप लोग अपना सब बायो वायो लगा के रख लीजिए, और अब हम डायरेक्टली मिलेंगे 8 June को टाइमलाइन पे धमाकेदार एडिंग के साथ।